गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रकाश का विवर्तन। उसके बाद में हमने जो प्रकाशिक यंत्र है उनकी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता देखी थी, रिजोल्यूशन लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर। हमें कुछ फॉर्मूले मिले थे, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे डिफ्रेक्शन से रिलेटेड और जो रिजोल्विंग पावर है उससे रिलेटेड। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन में। पहला जो क्वेश्चन है वो है इरे सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है, बोले तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिल गया आपको डिफ्रेक्शन, मतलब डिफ्रेक्शन से रिलेटेड है ये। डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, क्वेश्चन नंबर वन। गिवन डेटा लिख लेते हैं हम, हमें दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 1.4 mm। एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूपी द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज, या चमकीली फ्रिंज भी बोल सकते हैं या हम मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेकेंड ऑर्डर का जो मैक्सिमा है वो सेंट्रल मैक्सिमा से, बोले तो उसके स्क्रीन के सेंटर से 1.4 mm डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो मैक्सिमा है तो वाई एन एनथ के लिए इस समय ये हमें ये दे रखा है सेकंड, वाई टू दे रखा है, वाई टू हमें कितना दे रखा है, वाई टू हमें दे रखा है 1.4 mm। इसको आप मीटर में चेंज कर दो, 1.4 × 10⁻³ मीटर आ गए। ओके, सेकंड ऑर्डर ब्राइट है, यहाँ पर मैं ब्राइट भी लिख सकते हैं, हम ब्राइट लिख देते हैं, चलो ठीक है ना, क्योंकि वाई टू वो मिनिमा के लिए भी होता है, ये ब्राइट के लिए हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 cm फ्रॉम द स्लिट ऑफ द विड्थ। ओके, स्क्रीन जो है, जो पर्दा है वो स्लिट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो हमें पता है कि पर्दे और स्लिट के बीच की डिस्टेंस हम कैपिटल डी लेते हैं, वो आपको दे रखा है 80 cm दे रखा है, कितना दे रखा है 80 cm दे रखा है। तो इसको आप मीटर में बदलो, ये आ जाएगा 80 × 10⁻² मीटर। ओके, आगे दे रखा है स्लिट्स ऑफ विड्थ, जो हमें झीरी है उसकी चौड़ाई दे रखी है, झीरी की चौड़ाई को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दे रखा है 0.80 mm, इसको हमने लिख दिया 0.80 × 10⁻³। ओके, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में आगे। Considering the incident light of the monochrome, calculate the wavelength। हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो देखिए since हमें पता है हमें लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। Since हमें पता है कि y n जो ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है या मैक्सिमा के लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमा इन द डिफ्रेक्शन विवर्तन में क्या होता है, 2n प्लस जो nth आपका मैक्सिमा होगा, nth ऑर्डर का जो मैक्सिमा होगा या nth ऑर्डर की जो चमकीली फ्रिंज होगी, उसके लिए जो फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस जो आती है वो लैम्डा डी अपॉन 2a आता है। ओके, हमें सेकेंड के लिए फॉर्मूला बनाना है, हेंस अपना y2 क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 कितना हो गया, 4 + 1 = 5, यह आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाई 2a। और नोट हो गए, समझ में आ गया, आ गया समझ में। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हेंस सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1.4 × 10⁻³ इक्वल टू 5 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 80 × 10⁻², डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है, 0.80 × 10⁻³। पहले हम पॉइंट को हटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट को हटा दो, ये एक पॉइंट हटाया, ये 14 हो गया, ये आ जाएगा 10⁻⁴ हो गया, एक पॉइंट हटाया, इस पर माइनस की बढ़ गई, ये 5 λ × 80 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 2 × 80, इसको 80 लिख दिया,
दो पॉइंट हटाए हमने तो दो इसमें पावर ऐड हो जाएगी माइनस की, ये माइनस फाइव हो गया, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया। ओके इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इधर गया ये हो गया 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू ये इधर चला गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इक्वल टू 5 लेमडा इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है ये कितना हो गया बोलो, ये 28 हो गया, 14 इंटू टू 28 ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 इक्वल टू 5 लेमडा इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर बाकी का सॉल्यूशन, इससे लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या है, लेमडा इक्वल टू है 28 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और डिवाइडेड बाई ये 5, ये लेमडा है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारे पास कितना जाएगा 5 का इसमें डिवाइड करो, 5 टाइम्स गया 6 टाइम्स गया इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आ गया, ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ गया। अगर इसको अंगस्ट्रम में चेंज करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू ये आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू आ गया अपने पास अंगस्ट्रम में आ गया इतना। ओके इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया हुआ है, वेरी सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट यही देखना है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फॉर्मूले के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि आपको जब डिफ्रेक्शन विवर्तन के लिए पूछे तो विवर्तन में आपको ब्राइट फ्रिज अनंत, जो ब्राइट फ्रिज है अनंत मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला लेना है और अनंत जो डार्क फ्रिज है अनंत मिनिमा के लिए आपको फॉर्मूला क्या लेना है, एन लेमडा डी अपॉन ए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, अगेन डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट है सिंगल स्लिट वाला, फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड कलर, रेड कलर के लिए फर्स्ट मिनिमा दे रखा है, कौन से कलर के लिए, रेड कलर के लिए, और उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है लेमडा, इज इन द प्रोपोर्शनल विद द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ एनी अदर कलर हुज वेवलेंथ इज लेमडा डैश। क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, ओके रेड कलर के लिए लेमडा कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है कितना 600 नैनोमीटर दे रखा है। ठीक है अदर कलर है लेमडा डेस वो हमें निकालना है। अब देखो रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए क्या है फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड कलर, रेड कलर के लिए फर्स्ट मिनिमा है, रेड कलर के फर्स्ट मिनिमा है तो वाई एन मिनिमा बोले तो ब्राइट डार्क लिख देता हूं इसको। ओके और अदर कलर के लिए क्या है, अदर कलर के लिए फर्स्ट मैक्सिमा है, अदर कलर के लिए क्या है फर्स्ट मैक्सिमा। क्वेश्चन में ये है कि जहां पर रेड कलर का मिनिमा ऑप्टेन हो रहा है उसी जगह दूसरे कलर का फर्स्ट मैक्सिमा ऑप्टेन हो रहा है, बोले तो ये जो वाई डिस्टेंस है उसी पोजीशन पर बन रहा है कि रेड कलर के लिए इतनी डिस्टेंस पर, यहां पर अगर रेड कलर के लिए मिनिमा बन रहा है तो दूसरे कलर के लिए इतनी ही डिस्टेंस पर, इतनी ही डिस्टेंस पर क्या बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, तो दैट मीन्स देखो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको तो हम वाई वन आ गया और सेकंड के लिए वाई वन ब्राइट, आगे बात समझ में, फर्स्ट ही मिनिमा है और फर्स्ट ही मैक्सिमा है, ये रेड कलर के लिए, ओके ये रेड कलर के लिए है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये रेड कलर के लिए है और ये कोई दूसरा अदर कलर है, ये अदर कलर है, दोनों एक ही पोजीशन पर ऑप्टेन हो रहे हैं, एक ही डिस्टेंस पर ऑप्टेन हो रहे हैं तो ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इन दोनों के हम फॉर्मूले लिख देते हैं। डार्क के लिए क्या होता है एल लेमडा, डार्क के लिए होता है एल लेमडा डी अपॉन ए होता है,
ओके okay, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एन की वैल्यू वन रखनी है तो ये आ जाएगा लेमडा डी अपॉन ए। ओके अब देखो ब्राइट के लिए देखे तो ब्राइट के लिए जो होता है वाई एन बीटा जो होता है अभी मैंने बताया था 2n प्लस वन लेमडा डी अपॉन 2a होता है। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एन इक्वल टू वन रखेंगे तो ये आ जाएगा थ्री लेमडा डी अपॉन 2a। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन में यही है बस कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वही है, स्लिट की जो विड्थ है उतनी है यही है, डिस्टेंस कैपिटल डी भी उतनी है, सिर्फ हम लाइट की जो कलर है उसको चेंज कर रहे हैं। हमने एक बार रेड कलर की लाइट ली जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, ठीक है ना, वो किसी डिस्टेंस पर किसी डिस्टेंस पर उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर उसका फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है। ओके पूछा ये है कि इतने ही डिस्टेंस पर अगर हम दूसरा कलर यूज में लेते हैं तो इतनी डिस्टेंस पर दूसरे कलर का मैक्सिमा ऑप्टेन हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है, दोनों कलर के लिए डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया, इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ये रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए तो हमने वेवलेंथ लिए लेमडा, और इस अदर कलर के लिए क्या लिया है, लेमडा डेस लिया है। तो यहां से इस फॉर्मूले से हमारे पास देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा डेस क्या जाएगा, 2 को इधर भेज दो 3 को नीचे ले आओ, तो हमारे पास लेमडा डेस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, आ जाएगा 2/3 इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, देखो रटना कुछ भी नहीं है, हम जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यूज में लेने, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझो। तो लेमडा डेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा लेमडा डेस बराबर क्या आ जाएगा 400 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये लेमडा अपना नैनोमीटर में था, ये तो नैनोमीटर में आ गया। ओके आ गया क्वेश्चन समझ में, ओके नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, हमें गिवन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट, अगेन सिंगल स्लिट है, और कोई लाइट है जिसकी प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य है 600 नैनोमीटर दी गई है, वो किसी एकल झिरी पर आपतित हो रही है, और एकल झिरी जो हमारे पास जो स्लिट्स है उसकी विड्थ इतनी दे रखी है, ठीक है ना, उसकी चौड़ाई इतनी दे रखी है। फाइंड एस इन द फिगर वेयर स्क्रीन इज एट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम स्लिट, डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल डी, जो दे रखी है स्लिट्स की स्क्रीन से डिस्टेंस कैपिटल डी जो है झिरी की पर्दे से दूरी 2 मीटर दे रखी है, एस निकालना है। इस डायग्राम में ये एस दिया हुआ है, एस हमें निकालना है, क्या निकालना है, एस हमें निकालना है, क्या निकालना है, एस निकालना है, ये एस निकालना है। एस क्या है, एस डिस्टेंस है, देखो ये सेंट्रल फ्रिंज है, आपको इंटरफेरेंस पैटर्न हमें गिवन है, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में ही, ये आपका क्या है डिफ्रेक्शन पैटर्न है, ये हमें पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, उसके बाद में ये क्या निम्निष्ठ प्रथम निम्निष्ठ, ये द्वितीय, ये प्रथम कोटि का उच्चिष्ट, फिर ये द्वितीय निम्निष्ठ, उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चिष्ट निम्निष्ठ होंगे। तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर से कौन से के लिए, ये आपका फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, सेंटर से सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस है ये एस, एस क्या है सेंटर से सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस है। हम वाई लेते हैं लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, एस दिया है, तो सिंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू हमारे पास यहां से डायग्राम से दिख रहे हैं कि ये जो ये यहां से ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा ये सेकंड मिनिमा, सेंटर से सेकंड मिनिमा की डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर से इसके केंद्र से द्वितीय जो निम्निष्ठ है उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, और द्वितीय निम्निष्ठ अनंत निम्निष्ठ के लिए डिस्टेंस जो होती है वो हमारी होती है एन लेमडा डी अपॉन ए होती है। तो यहां पर हमें इस डायग्राम से दिख रहे हैं कि ये तो फर्स्ट मिनिमा है सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा की सेकंड सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या रखोगे, 2 लेमडा डी अपॉन ए स्मॉल, ये फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया होगा। ये इस डायग्राम से यही दिख रहा है कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से, और किसकी मिनिमा की, ये ब्लैक जो है इस मिनिमा की निकालनी है, तो ये फर्स्ट मिनिमा ये सेकंड मिनिमा की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, केंद्र से दूरी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड के लिए एन इक्वल टू 2 पुट हो जाएगा, ठीक है, तो एस इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है, 6
100 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ओके तो 2 ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास s इक्वल टू क्या आया, s इक्वल टू आया ये 600। ओके 10 टू पावर 4 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, तो कितना बचा 10 टू पावर माइनस 5 बचा, ये माइनस के 2 इसको दे दिए तो 2 जीरो उड़ा दिए इसने, 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, तो s बराबर ये आ जाएगा 6 mm आ गया, 10 टू पावर माइनस 3 बोले तो mm। ओके आ गया होगा समझ में, फटाफट नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायमीटर ऑफ ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का डायमीटर दे रखा है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे वो दे रखा है आपको 5 मीटर दे रखा है। फाइंड द मिनिमम रेजोल्यूशन एंगल फॉर द लाइट ऑफ द वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, ठीक है ना, किसी दूरदर्शी का व्यास 5 मीटर दे रखा है, 600 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य का प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन ने कोण का मान ज्ञात किया, ये मिनिमम न्यूनतम कोण निकालना है, ठीक है ना, लेमडा हमें दे रखा है मिनिमम जो आपका एंगल है, ओके मिनिमम एंगल वो हमने डेफिनेशन से देखा था, जो मिनिमम जो एंगल होता है वो रिजोल्विंग लिमिट होती है, रिजोल्यूशन लिमिट होती है, विभेदन सीमा, इसका मतलब मिनिमम एंगल बोले तो विभेदन सीमा ही पूछी है, ठीक है ना, हमने जो रिजोल्यूशन लिमिट है उसकी यही डेफिनेशन लिखी थी कि जो मिनिमम एंगल थीटा एम था वही क्या था आपका रिजोल्यूशन लिमिट थी, ठीक है ना, तो लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी दे रखी है 600 नैनोमीटर दे रखी है, अगेन तो इसको आप मीटर में चेंज कर लो, ये आ जाएगा 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है, हमें थीटा एम पूछा है, क्या पूछा है थीटा एम, सिंस फॉर्मूला हमें पता है कि थीटा एम जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी होता है, होता ना, से सबकी वैल्यू पुट कर दो थीटा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 1.22 लेमडा की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 को इसे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5 to 120 आ गया, 120 को इसे मल्टीप्लाई करो क्यूएम इज इक्वल टू क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो फटाफट, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, क्या बात होगी, ओके तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट अट गया तो 1.22 इंटू 12 है, ये आ गया 146.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ओके तो थीटा एम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.464 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 रेडियन में आएगा, इसमें आएगा रेडियन में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनट होल्स, दो हमें सूक्ष्म छिद्र है उनके बीच की डिस्टेंस है वो 1.525 mm दे रखी है,
विच आर इन फ्रंट ऑफ ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5×10⁻¹ सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसी प्रकाश स्रोत है उसके आगे रखी हुई जिसकी तरंगदैर्ध्य आपको इतनी दे रखी है। आर सीन फ्रॉम ए टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर, जो हमें टेलीस्कोप से देखनी है, ठीक है ना। और टेलीस्कोप में जो अपना अभिदर्शक लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी डायमीटर जो है वो 0.4 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टेलीस्कोप सो होल कैन बी रिजोल्व, दोनों होल है वो हमें अलग अलग दिखाई देने चाहिए, उसके लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। देखिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ये हमारे पास दो होल है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल एल ले ली, क्या ले ली, स्मॉल एल। और स्मॉल एल की वैल्यू आपको दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 5.3, कितनी दे रखी है, चलो एल ले लेते हैं, एल ही ले लो एक बार, एल ले ली, ठीक है ना। ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है टेलीस्कोप का, ये इस पर हमें पता है कि मिनिमम एंगल बनाएगा थीटा एम, ठीक है। वेवलेंथ इसकी दे रखी है आपको लेमडा, और इसका जो डायमीटर है वो डी है, वो हमें दे रखा है डायमीटर डी भी इसका गिवन। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये जो डी होगा जिसको हम डी मैक्सिमम, ये कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी जिसके लिए दोनों जो है होल है वो हमें अलग अलग दिखाई दे, दूर कहीं दो पतले पतले छेद पास में रखे हुए बहुत ही कम डिस्टेंस पर एल पर, उनको हम किसी टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों होल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हमें पता है कि भी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये भी कम होगा, तो डिस्टेंस बोलो तो ये बोलो, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कि इस टेलीस्कोप से हम इन दोनों होल्स को, इन दोनों छेदों को देखें तो दोनों अलग अलग दिखाई दे, तो ये डी मैक्सिमम निकालना है ये डिस्टेंस, ओके। तो सिंस हमने फॉर्मूला देखा था, देखो गिवन डेटा अगर लिखें तो एल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.525, किसमें दे रखी है, एमएम में दे रखी है, तो एल ये हमारे पास आ जाएगा 1.525×10⁻³ मीटर, ओके। वेवलेंथ जो लेमडा है वो आपको दे रखी है कितनी 5×10⁻⁵ सेंटीमीटर। 1 सेमी में 10⁻²  मीटर होती हैं, तो 10⁻⁵ तो पहले से है, 10⁻⁷ मीटर में आ गया ये, ठीक है ना। और डायमीटर जो दे रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो हमें दे रखा है 0.4 सेमी, इसको मीटर में चेंज किया तो 0.4×10⁻²  मीटर आ गया। हमें क्या निकालनी है, हमें डी मैक्सिमम निकालना है, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है ना। अब हमें फॉर्मूला पता है कि सिंस थीटा जो एम होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी होता है, ओके होता है ना। और थीटा एम ये भी मैंने आपको इस टर्म में भी लास्ट में फॉर्मूला लिखाया था कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, ये आर्क होगी ये रेडियस होगी, तो थीटा एम बराबर एल अपॉन डी मैक्सिमम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस ये होता है क्या, एल आर्क चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी डी मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1.22 लेमडा डी अपॉन ए, हो गए और नॉट होगी, हो गए और नॉट होगी, ओके। तो हमें डी मैक्सिमम निकालना है, तो यहां से डी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले को बना लेते हैं, डी मैक्सिमम को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो एल ए अपॉन 1.22, सॉरी ये होता है 1.22 लेमडा अपॉन ए डी होता है, ठीक है। तो इसको डी मैक्सिमम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एल इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 1.22 लेमडा, ठीक है, ये फॉरवर्ड बन गया। एल की वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी है 1.525×10⁻³, डी की वैल्यू कितनी है 0.4×10⁻², ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एल की वैल्यू कितनी है 1.525×10⁻³ इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.4×10⁻², डिवाइडेड बाई
1.22 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻¹। ठीक है, इसको आप पे सोल्व करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 4 × 5। ठीक है, इसको आफ्टर द कैलकुलेशन रिजल्ट इज दिस एंड रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज दैट, आप इसको सोल्व कर लेना और ये आएगा 0.1 मीटर। तो हमारे पास डी मैक्सिमम जो आएगा वो 0.1 मीटर। ठीक है, इसमें पावर वाले को अलग सोल्व कर लेना, ये 10⁻¹ हो गया, ये ऊपर गया 10⁻+ हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कर लेना। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टू पॉइंट सेपरेटेड बाई 0.1 mm कैन बी सीन बाई ए माइक्रोस्कोप इफ वी यूज ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज यूज देन फाइंड द रिजोल्विंग लिमिट। रिजोल्विंग लिमिट निकालनी है। ठीक है, माइक्रोस्कोप हमें गिवन है, बोले तो थीटा एम आपको निकालना है। ठीक है, टू पॉइंट है जो एक दूसरे से, अगेन हम इसका डायग्राम बनाए तो टू पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये हमने एस लिया था। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, अगेन ये हो गया थीटा एम, लेमडा हमें गिवन है, लेमडा हमें गिवन है। ठीक है, तो ये जो S होता है वो क्या होता है, क्या होता है भाई, S जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं, या रिजोल्विंग लिमिट ऑफ क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यही तो बोलते हैं ना, दोनों जो आपके नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है वही हम देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम S1, देखो S1 जो है वो हमें आप कितना दे रखा है, फर्स्ट जो है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 0.1 mm है, इसको mm में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेमडा वन है, ये जो मिल रही है वो लेमडा वन कितनी है 6000 angstrom, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। सेकेंड ये है कि लेमडा टू के लिए S, ये S कितना होगा वो हमें निकालना है। लेमडा टू हमें दे रखा है कितना दे रखा है angstrom, हमें S2 निकालना है। ठीक है, तो S के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, S बराबर क्या आया था अपना, S बराबर आया था 1.22 लेमडा F/D आया, यही आया था कि नहीं आया था, आया था ना। तो देखिए S1 लेमडा और ये S और लेमडा, ये चेंज है फोकल लेंथ और ये जो डायमीटर है वो चेंज नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस ये होता है hence, देखो यहां से अगर मैं इसको S1 लिखूं तो ये लेमडा वन आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ये S2 आ गया तो ये आ जाएगा 1.22 लेमडा 2 F/D, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड कर दो, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास आ गया S1/S2 बराबर 1.22 लेमडा 1 F/D डिवाइडेड बाय 1.22 लेमडा 2 F/D, डी से डी कैंसिल, 1.22 कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। ठीक है, तो इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, या आप S2 निकाल लो, तो S2 = क्या आ जाएगा, S2 = हमारे पास आया लेमडा 2 ऊपर चल गया, लेमडा 1 नीचे आ गया, तो S1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 2 ऊपर चला गया, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1।
1, सबकी वैल्यू पुट कर दो, एस टू इक्वल टू एस वन की वैल्यू कितनी है 0.1 है, लेमडा 2 कितना है 480 डिवाइडेड बाय 6000, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, निकल गया। तो एस टू इज टू आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.08 mm आ गया। नोट कर लो इसको फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये mm में था तो ये भी mm में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ इज पासिंग थ्रू द स्लिट्स इज डिफ्रेक्शन पैटर्न फिफ्थ मिनिमा इज फॉर्मड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें ये दे रखा फिफ्थ मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है, वेवलेंथ दे रखी है, आपको गिवन डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेमडा जो है वो आपको गिवन है 500 angstrom, तरंग देरी है वो 5000 angstrom दे रखी है। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10^-10 ए मीटर, ठीक है। इन डिफ्रेक्शन पैटर्न फिफ्थ मिनिमा, पांचवा जो निम्निष्ट है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, निम्निष्ट है डार्क बोल दिया, ठीक है ना, ये फिफ्थ के लिए दे रखी है, वो डिस्टेंस दे रखी है 5 mm दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 mm दे रखी है, आ जाएगा 5×10^-3 meter आ गया, मीटर में चेंज कर लिया। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वाले तो सेंटर से ही दे रखी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस बोले तो कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1 meter दे रखी है, ओके। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ स्लिट, ए की वैल्यू निकालनी है, विड्थ क्या होगी स्लिट्स की वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो सिंस हमें पता है कि मिनिमा के लिए है, मिनिमा दे रखा है आपको, निम्निष्ट दे रखा है, तो वाई एन डार्क जो होता है फॉर द डिफ्रेक्शन पैटर्न विवर्तन प्रारूप के लिए होता है एल लेमडा डी अपॉन ए होता है। तो फिफ्थ के लिए पूछा है तो वाई फिफ्थ डी बराबर क्या जाएगा 5 lambda d/a, ए बराबर क्या जाएगा, ए को इधर भेज दो, क्या जाएगा 5 lambda d/y5d, सबकी वैल्यू पुट कर दो, a बराबर क्या जाएगा 5×lambda, लेमडा की वैल्यू कितनी है 5000×10^-10 डिवाइडेड बाई इंटू d की वैल्यू क्या है 1 है, कैपिटल d की वैल्यू 1 है, इसमें ये yd5 की वैल्यू कितनी है 5×10^-15, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10^3 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, 7 बच गया, तो हमारे पास a बराबर क्या आया 5000×10^-7, ये 3 जीरो हटा दो या 4 हटा देते हैं तो ये 0.5×10^-3 आएगा, तो a बराबर हमारे पास आ गया 0.5 mm आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा, कितनी दे रखी है 0.052 meter दे रखी है, इज कमिंग टुवर्ड्स ए होल, एक होल से आ रही है, बोले तो स्लिट है वो, ए होल ऑफ ए विड्थ रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन इमेज इज ऑन द वॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रिंज, ओके, रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन इज, विड्थ जो आपकी जो स्लिट दे रखी है ए, उसकी विड्थ जो दे रखी है, होल है यहां पर छिद्र है 0.35
कितना दे रखा है, मीटर दे रखा है। ओके, रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए वॉल एट मीटर, स्क्रीन 8 मीटर दूरी पर रखी हुई है, कैपिटल डी दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिंज, फर्स्ट और सेकंड फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आप डार्क की निकालो चाहे ब्राइट की निकालो, इक्वल ही आएगी। तो वाई डार्क के लिए निकाल लेते हैं, वाई सेकंड की क्या है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट की निकालनी है। तो वाई टू डार्क माइनस वाई वन डार्क, ये निकालना है। सेकंड फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो सेकंड वाली में से फर्स्ट का सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो सिंस हमें पता है कि वाई टू डी माइनस वाई वन डी दैट इक्वल टू क्या होगा, ये 2n हो जाएगा, 2 लेमडा डी अपॉन ए माइनस ये 1 रखेंगे तो लेमडा डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो वाई टू डी माइनस वाई वन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन ए आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आया कि नहीं आया, आ गया ना। वैल्यू रख दो इसकी सबकी, लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.52 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है ए डिवाइडेड स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 0.35। ओके, इसको सोल्व करते हैं, 16 41 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना और ये मीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1.3 आएगी, इतनी आएगी 1.3 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कागज, काले कागज पर दो सफेद बिंदु एक दूसरे से 1 mm दूरी पर रखे हैं, उन्हें लगभग 3 mm व्यास वाली आंख की पुतली से देखा जाता है। आंख की पुतली से देखो तो आंख की पुतली में भी क्या होता है, आंख के अंदर भी लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम अभिदर्शक लेंस ही बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल सकते हैं। उनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी कि उन्हें आंख द्वारा ठीक विभेदित किया जा सके। तो सेम पहले जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। डायग्राम से समझो, हमारे पास ये दो आपको क्या दे रखे हैं, 2 वाइट पॉइंट्स है, ये दो वाइट पॉइंट्स है, इनके बीच की डिस्टेंस एल ले ली हमने, ठीक है, एक दूसरे से 1 mm दूरी पर, एल की वैल्यू 1 mm होगी, उन्हें लगभग 3 mm व्यास, ये हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख का लेंस हो गया, इसका जो डायमीटर है वो कैपिटल डी होगा जो हमें दिया गया है। यहाँ पर ये जो मिनिमम एंगल बनेगा वो थीटा एम बनेगा। ये निकालना हमें कि उनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी, आई की और इसके बीच की डिस्टेंस डी मैक्सिमम कितना होगा, कि हमें ये दोनों जो पॉइंट्स है वो अलग अलग दिखाई दे, रिजोल्व दिखाई दे, ठीक है ना। तो सेम जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। तो एल गिवन डेटा देखो, गिवन जो डेटा आपको दे रखे हैं, स्मॉल एल की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, 1 mm, बोले तो 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। और डी जो दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वो आपको दे रखा 3 mm। ओके, ये हो गया 3 × 10⁻³ मीटर। और लेमडा जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 5 ⁄ angstrom दे रखा है, इसको मीटर में बदल दो, 10⁻⁰ मीटर।
ये निकालना है। तो अगेन थीटा एम बराबर क्या होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी, और थीटा एम की जगह क्या लिखेंगे, चाप बटे त्रिज्या, आर्क बटे रेडियस। तो सिंस हमें पता कि आर्क बटे रेडियस ये तो थीटा हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1.22 लेमडा अपॉन डी होता है। ये निकालना है डी मैक्सिमम, हेंस डी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है, एल कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा। इसको इधर भेज दिया, सबको इधर ले लिया, ठीक है। एल की वैल्यू अब पुट कर देते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³। डी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.22 × 500 × 10⁻¹। इसको सिंपलीफाई करो, क्या आया बोलो, ये डबल जीरो से डबल ये दो पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 × 1 ये तो क्या आ गया 3 आ गया, इंटू 10⁻¹ कितना हो गया 6 हो गया, 3 क्या हो गया 6 हो गया। 5 को ये दो जीरो है इस पॉइंट को हटा दो, तो 122 को 5 से गुणा करो कितना है 0 1 6 110 ओके okay? और इंटू नीचे क्या है 10⁻¹ कितना है 10 है, तो ये 10 को ऊपर भेज दो, तो 3 × 10⁻¹ क्या हो गया 4 हो गया, प्लस का ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, ऐसे जीरो लगा दो 4 आ गई डिवाइडेड बाय 600, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 60 पर, ये मीटर में आएगा, इसमें आएगा मीटर में, तो कितनी डिस्टेंस आएगी, लगभग आएगी 50 आएगी, इसको 60 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर आएगी, वो आप चेक मतलब कर लेना, ठीक है ना। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें मैं लाइट ऑफ वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य दी गई है जो किसी झीरी होल पर जिसका विड्थ हमें दे रखा 22 × 10⁻¹⁵ सेमी, उस पर परपेंडिकुलरली आपतित हो रही है, मतलब लंबवत आपतित हो रही है। फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द टू मिनिमाज एंड मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, बोथ साइड में हमें दो मिनिमा की पोजीशन निकालनी है, ठीक है ना, एंगुलर पोजीशन। तो देखिए सिंस फर्स्ट जो मिनिमा होता है उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा 1 बराबर आई थी लेमडा अपॉन ए आई आई थी ना, तो थीटा 1 बराबर क्या जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, इतनी है अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो 11 × 22 और 11 × 55 500 आ गया। थीटा 1 बराबर कितना आ गया, ये इससे गया 250 गया, यह गया 250 गुणा 10⁻³ ये ऊपर गया माइनस का 3, थीटा 1 बराबर आ गया 0.25 रेडियन आ गया, ये फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ओके फर्स्ट मिनिमा प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, प्रथम निम्निष्ट की कोणीय स्थिति एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा,
सेकंड मिनिमा की एंगुलर पोजीशन देखें, ठीक है ना, सेकंड निम्निष्ट की कोणीय स्थिति वो थीटा टू हो जाएगी, और वो आई थी अपनी टू लैम्डा अपॉन ए आई थी, आप फॉर्मूला देख सकते हो, दूसरे निम्निष्ट के लिए आई थी, थीटा टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें पता है कि थीटा वन है वो लैम्डा ए है, ये टू लैम्डा ए है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं टू थीटा वन, द्वारा क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें, लैम्डा ए की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा अपॉन ए की जगह थीटा वन, तो थीटा टू बराबर क्या आ गया, टू इंटू पॉइंट टू फाइव, थीटा टू इक्वल टू क्या आ गया, पॉइंट फाइव रेडियन या पॉइंट फिफ्टी रेडियन, ओके ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 6328 एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ दिस परपेंडिकुलर, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही दिए आपको, इतना एंगस्ट्रम दे रखा है वेवलेंथ, इसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, और जो विड्थ दे रखी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.2 mm, इसको मीटर में चेंज करो, 0.2 into 10 to power minus 3 मीटर, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के एंगुलर विड्थ पूछी है, देखिए यहां पर देखो हमारे पास ये सिंगल स्लिट थी ए बी, ये मिड पॉइंट था एम, यहां पर स्क्रीन थी, और यहां पर मिड में हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और यहां पर क्या मिलता है, यहां पर प्रथम फर्स्ट मिनिमा मिलता है, फर्स्ट निम्निष्ट होगा ये, और यहां पे भी क्या होता है, फर्स्ट निम्निष्ट होता है, मिनिमा होता है, हमें इसकी एंगुलर विड्थ चाहिए कि ये जो है ना सेंट्रल मैक्सिमा वो कितना एंगल बनाएगा इस एम पर, वो हमें निकालना है, केंद्रीय उच्च की कोणीय चौड़ाई चाहिए, ये चाहिए हमें, ये चाहिए टोटल, थीटा मान लेता हूं इसको, अब देखो ये फर्स्ट मिनिमा है, क्या है, फर्स्ट मिनिमा, तो ये कितना होता है, ये हमें पता है कि हमने थीटा वन लिया था, इधर वाली साइड में भी इतनी एंगल बनाता है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा वन हो गया, इसका मतलब थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर जो है वो एक्चुअल में क्या है, टू थीटा वन है, क्या है, टू थीटा वन, तो टू इंटू थीटा वन की वैल्यू होती है लेमडा अपॉन ए होती है, तो ये आ जाएगा टू इंटू लेमडा, लेमडा कितना, डायग्राम बना लिया साथ में, समझ में आ जाएगा अच्छे से, डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट को हटा दो, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6328 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, पॉइंट को हटा दिया तो ये 10 टू पावर नीचे क्या आ जाएगा, माइनस से 4 आ गया, फिर 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत या चलो आगे लिख लेते हैं, 2 और नीचे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 10 ऊपर गया, ये प्लस का हो गया, तो ये इतना आ गया माइनस 6, ये रेडियन में आ जाएगा, ओके समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 12 ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है हमें, लेमडा दे रखा है, वो हमें दे रखा है 600 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दो, 600 इंटू 10^-19 मीटर। From a distant source falls on a single slit 1 mm wide. जो एकल जीनी दे रखी है उसकी जो विड्थ दे रखी है 1 mm दे रखी है, बोल दो 1 × 10^-3 मीटर हो गया। The resulting diffraction pattern is observed on the screen 2 meter away. जो पड़ता है वो कितनी दूरी पर रखा है, 2 मीटर दूरी पर रखा है, कैपिटल डी 2 मीटर। What is the distance between the first dark fringe on the either side the central bright fringe? Okay, first dark fringe की distance पूछी है। What is the distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe? Okay, जो दोनों तरफ, again देखो मैं diagram बना के आपको समझाता हूँ इसको। ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमें पता है कि ये यहाँ पर क्या मिलता है, हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है, ओके। ये हमें डिस्टेंस पूछी है, क्या पूछिए, डिस्टेंस। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस पूछी है, इसको मैं वाई ले लेता हूं, ये डिस्टेंस पूछी है, ओके। तो ये डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, ये वाई वन हो गई, यहां से यहां तक ये भी इतनी पोजीशन पर होता है तो ये भी क्या होगी, वाई वन होगी। वहां पर एंगुलर पोजीशन पूछी थी, यहां पर डिस्टेंस पूछी है कि दोनों जो मिनिमा होंगे, फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा जो है केंद्रीय उच्चिष्ठम उसके दोनों, और हमें पता है कि प्रथम मिनिमा मिलेंगे, तो दोनों जो फर्स्ट मिनिमा है, दोनों प्रथम जो निम्निष्ट है उनके बीच की दूरी पूछी है। तो सेंटर से जो फर्स्ट मिनिमा की दूरी वाई वन है, तो इसकी भी वाई वन होगी। इसका मतलब वाई इजिकल टू क्या होगा, टू वाई वन हो जाएगा। और वाई इजिकल टू मिनिमा के लिए ये डार्क मैं लिख सकता हूं, इसको डार्क 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 लिख दिया। तो y1 डार्क है, yn डार्क क्या होता है, n लैम्डा d अपॉन d, तो ये आ जाएगा 2, 1 की जगह n की जगह 1 रखना है तो ये आ जाएगा लैम्डा d अपॉन स्मॉल a आ जाएगा, ठीक है ना। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 × 10^-9 डिवाइडेड इंटू 2, d की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 × 10^-3, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 2400 आ गई। वाई इक्वल टू क्या आ गया, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखो 2 × 2 = 2400 × 10^-3, ये 3 ऊपर चला गया तो माइनस का 6 रह गया, तो ये 3 यहां से पावर हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.4 × 10^-3। तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2.4 mm आ गया, ये हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम फॉल नॉर्मली ऑन द नैरो स्लिट, ठीक है ना। वेवलेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 5000 एंगस्ट्रम। लैम्डा इंट्रोड्यूस को मीटर में चेंज कर दूं, 10^-10 मीटर, ठीक है। नैरो स्लिट स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, वो 1 मीटर दे रखी है।
एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट. द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज सिचुएटेड एट 5 mm फ्रॉम द सेंटर. फर्स्ट अगेन क्या है, फर्स्ट मिनिमा दे रखा है, प्रथम उच्चिष्ट दे रखा है और उसकी केंद्र से जो दूरी है बोले तो Y1 प्रथम है ना, Y1 डार्क है वो आपको दे रखा है 5 mm दे रखा है, 5 × 10⁻³ मीटर. ओके, स्लिट की चौड़ाई निकालिए, बोले स्मॉल ए की वैल्यू निकालिए. तो सिंस हमें पता है कि Y1D जो होगा वो हो जाएगा λ d/a हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है. तो सबकी वैल्यू पुट कर दो 5 × 10⁻², या a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर क्या जाएगा λ d/y1 a d. a बराबर लेमडा की वैल्यू कितनी है 5000 × 10⁻¹⁰, इंटू डी की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या है 5 × 10⁻³. ये 1000 हो गया. ओके, इसको ऊपर ले गए तो a इक्वल टू क्या आ गया 1000 × 10⁻⁷, ठीक है. इसको 4 इधर भेज दी, लिया जाएगा 0.1 × 10⁻³. a बराबर आ जाएगा 0.1 mm. ओके, नोट कर लो फटाफट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ओवर ए स्लिट ऑफ विड्थ. स्लिट्स की विड्थ दे रखी है, ए आपको गिवन है 24 × 10⁵ मीटर. द एंगुलर पोजिशन ऑफ द सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ द सेकेंड डार्क फ्रिंज. सेकेंड जो डार्क फ्रिंज है उसकी एंगुलर पोजिशन हम थीटा 2 लेते हैं, वो आपको 30 डिग्री दे रखी है. इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो 30 × π/180, पाई अपॉन क्या आ गया 6 आ गया, पाई अपॉन क्या आ गया 6 आ गया, क्योंकि रेडियन में लेना है थीटा. सेकेंड है थीटा 2. द सेंट्रल मैक्सिमा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लेमडा पूछा है. क्या पूछा है, लेमडा पूछा है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंस हमें पता है कि जो सेकंड जो मैक्सिमा उसकी एंगुलर पोजीशन जो होती है वो क्या होती है 2λ/a होती है. यही आया था सेकंड मिनिमा का, जब हमने केस लिया था तो हमें 2λ/a आया था, nλ/a आता है, ठीक है ना. तो 2λ/a आया था. ओके और नोट होगी. ओके, सबकी वैल्यू पुट कर दो, या हम यहाँ से लेमडा देखे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए को इधर भेज दो तो थीटा 2 × a/2. तो लेमडा इज इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 5/6, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 × 10⁻⁵ / 2, ठीक है. लेमडा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होगी 3.14 × 24 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 12 है. 12 है, ये 2 बढ़ गया, लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया अपने पास कितना 6.28 × 10⁻⁵, ठीक है, मीटर. बस इतना ही लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, इज इट क्लियर और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये. लास्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज 4 mm. हम ये दे रखा है क्या, फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज
फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ऑर्डर डार्क फ्रिंज, इन दोनों की डिस्टेंस आपको गिवन है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, फाइव फिफ्थ तो क्या है ब्राइट है और थर्ड क्या है डार्क है, 4 mm दे रखी है। इसको मीटर में चेंज करें तो Y5 ब्राइट माइनस Y3 डार्क इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ मीटर में आ गए। स्क्रीन इज ए डिस्टेंस ऑफ 60 cm फ्रॉम स्लिट ऑफ विड्थ, डिस्टेंस डी दे रखी है वो 60 cm दे रखी है, 60 × 10⁻² मीटर आ गया। और ए जो दे रखा है स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको, 0.80 mm दे रखी है, मिलीमीटर दे रखी है, 0.80 × 10⁻³ मीटर आ गया। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ लेमडा पूछी है। तो सिंस हमें Y5 पे ब्राइट माइनस Y3 डार्क देखना है, Y5 ब्राइट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास YN जो ब्राइट होता है डिफ्रैक्शन के लिए वो 2n+1 लेमडा डी अपॉन 2a होता है। तो 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, दिया जाएगा 11 लेमडा डी अपॉन 2a। ओके, माइनस Y3 तो YN डार्क क्या होता है n लेमडा डी अपॉन डी होता है, तो 3 लेमडा डी अपॉन a आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना आया 2a आ गया, तो यहां क्या आया बोलो, यहां आया 11 लेमडा डी आया, माइनस यहां पर कितना आया 6 लेमडा डी आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया 5 लेमडा डी अपॉन 2a आ गया। ठीक है, लेमडा निकाले सबकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻³, 5 इंटू लेमडा की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 60 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.80 × 10⁻³। इसको आप सिंप्लीफाई करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू 5 × 6 300 आ गया, ये आ गया 300 × 10⁻² लेमडा डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करो 1.6 × 10⁻³। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, इधर से मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना आप वीडियो को रिवाइज करके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, 4 × 1.6 × 10⁻³ कितना हो गया -6 हो गया, 3 -6 हो गया ना, इक्वल टू 300 × 10⁻² लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻²। लेमडा इक्वल टू आ गया 6.4 × 10⁻⁶ इक्वल टू 3। ये दो जीरो इससे उड़ा ही देते हैं, ऊपर भेज देंगे, ठीक है ना, इसमें डिवाइड कर दो, 2 बर गया 1 बर गया 3 × 10⁻⁶ से मीटर। ओके, कंप्लीटेड। ये सारे क्वेश्चन फेक कॉपी में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।